आज एक प्रेम का था बेबी, मैं तो तुम्हें हम तुम्हें यार साथ और फिर यमराज की तरह ओके अरे नहीं यार मुझे, अरे तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मेरा यमराज के साथ रोज का उठना बैठना है। बकुल, तो मेरा कौन सा उठना बैठना है? हाँ क्यों, अपने पापा के साथ हो, उसी रूम में नहीं हो तुम? शट अप, हाउ डेयर यू बीइंग अ कैरेक्टर, कम ऑन स्टार्ट। ओके कि मैं सिर्फ हाथ ही नहीं तुम्हें पूरा का पूरा कर सकता हूं और फिर to have to, so yeah, I'm enjoying every different character. जब भी fantasy का कुछ होता है, so I enjoy it. ये जो मेरी बीवी है, modern बीवी, चीना, उसकी fantasy है कि तुम यमराज बन के आओ, मेरे साथ flirt करो, फिर बहुत weird fantasies होती है उसकी. तो बकुल बोलता है कि यार ये क्या पागलपन है, ये तुम्हारा fanciness competition बंद करो यार, मैं कच्चे बनियान बेचता हूँ, मैं actor नहीं हूँ. पर फिर भी बोलती है कि नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, अब आपको बताया कि पत्नियों के सामने पति की चलती नहीं है, सो मैं यमराज बन के आया हूँ और फैंटेसी होगी और गाना होगा और उसके बाद क्या क्या होगा ये मुझे पता नहीं है. मैं अभी पुलिस वाला बना था, वो बोलती पुलिस वाला बन के आओ, फिर आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें आने वाली है जहाँ पर मैं लड़की बनूंगा, लड़की भी मतलब कुछ अलग ही लेवल का कुछ होगा. सो इस हम वेटिंग के आगे क्या होगा, मैं तो यही मतलब सोचता हूँ कि आज क्या बनाएंगे ये लोग मुझे, बट इट्स फन, इट्स लिटिल डिफरेंट थिंग्स, सो आई एम एंजॉयिंग इट. सो यमराज बनने पे शीना जी कितना एंजॉय कर रही है? शीना जी एंजॉय कर रही है, शीना को मज़े आ रहे हैं. ऑब्वियसली जब भी कोई मतलब ऐसे वियर्ड पोजिशन में होता है कि ऐसे यमराज बन के आ खड़ा है, इतना सब कुछ गेटअप है, तो बड़ा मज़ा आता है एंड इट्स फन. हम दोनों मस्ती कर रहे हैं एंड वो आपको सीन में भी दिखेगा. यमराज वाला डायलॉग है ही नहीं, भाग जाओ चीना में मेरे.